सोच रहे कि बहुत दिन से स्पेक्स नहीं पहना, तो आज स्पेक्स पहनते हैं। ठंडी भी काफी ज्यादा है, इसके साथ अच्छा लगेगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा है और ये तो मास्क, मतलब बाहर ठंड ज्यादा है, बैंगलोर में तो ठंडी काफी ज्यादा है, तो ये तो पहनना ही पड़ेगा। डे टाइम में भी सेम, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ शाम को ही ठंडी लगती है। वैसे भी मेरा ये स्टाइलिश टॉप दिखाई नहीं देगा इसके अंदर से, क्या नो इश्यू। तो कीप ऑन वॉचिंग, कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे, वो तो शेयर करने वाली हूँ, तो देखते रहो बस। पानी पी रहे हैं अंकल। अरे अंकल, अंकल आपका ये हाल कैसे हुआ, सुसु कर दिया क्या आपने? लूज मोशन हो गया। खराब चल रहा है ना, लूज मोशन हो गया। अशीष ने कुछ नहीं बोला, उसने नहीं देखा ना? अरे वो ऐसे हंस रहा है, मतलब संडे का दिन है, साफ सफाई का दिन, तो बोलेगा ये जगह इतना गंदा क्यों है। तो एक्चुअली क्या है ना, ये जो हमारे साइड वाला बिल्डिंग है वहाँ पे, हाँ ऑपोजिट का साइड ही तो, हाँ, साइड बोल सकते हो, तो वहाँ पे ना काम चल रहा है, तो इसलिए हर रोज इतना सीमेंट सैंड ये सब आता है यहाँ पे, हर रोज जितना भी साफ करो बहुत गंदा हो जाता है, तो यहाँ पे गंदा ही गंदा है, काम चल रहा है। प्लास्टिक है फिर भी आता है, क्योंकि यहाँ पे हवा जोर से चलता है और बारिश भी काफी ज्यादा होती है ना। चलो चलो चलो, बाइक पे जाओ ना, स्कूटी पे, स्कूटी पे मास्क के साथ स्पेक्स पहनना बहुत मुश्किल हो जाता है, पूरा वेपर हो रहा है। দেখাও এটা, হ্যাঁ এটা কি কালারটা এরকমই হবে গো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্ল্যাক এন্ড কপার, ये तो इसमें भी नहीं आ रहा, इसको घर छोड़ के आते हैं, ऐसे करके बिठाओ इसको, এরকম করে তো হবে না, नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अलाउड। तो डिफेंस एरिया है ऑफ कोर्स, तो वहां पे नहीं कर सकते, तो वो रख के गए थे मुझे लेके आके, फिर इसको अभी लेके हम लोग घर पे जा रहे हैं, घर पे छोड़ के आएंगे, फिर दूसरे काम से निकलने वाले हम लोग। कुछ है पेज पे चला, यही है, ये कलरफुल लग रहा है, बट ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, कॉटन का है ना? हाँ कॉटन का है, कॉटन टेबल। एक्चुअली एक टेबल क्लॉथ लेना था, नहीं ले पाया क्योंकि पसंद नहीं आया, और एक टेबल रनर लिया, वो दिखाएंगे आपको घर जाने के बाद, और इसके साथ एक शोपीस टाइप का लिया टॉवल्स, वो भी घर जाने के बाद दिखाएंगे, अभी नहीं। सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं हो पाया ना, तो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, मतलब कर रहे हैं, 1 बज रहा है अभी ब्रेकफास्ट। समोसा और ये समझ लो ब्रेकफास्ट, समझ लो, क्या बोलते हैं इसको, अनियन, अनियन कचौड़ी, अनियन कचौड़ी। भूख भी लगी थी ना, अच्छा है अनियन कचौड़ी, मुझे वो वाला अच्छा लगता ज्यादा, दाल वाला मैट मैट, हाँ यही वाला, यही वाला मैट, हाँ टेबल के ऊपर रख के, पूरा दूसरे डिजाइन का कुछ दो साइज का क्या इसमें, अच्छा हाँ ये छोटा, ये ब्लैक कलर वाला देखो तो, कौन सा, ये नहीं ये वाला, हाँ ये अच्छा लग रहा है, हाँ ऐसे डार्क डार्क कलर के ऊपर, डार्क कलर में, ये भी अच्छा लग रहा है, और है ब्लैक में, और इसके अंदर वो छोटा वाला नहीं आता है क्या, छोटा वाला दस इसमें आएगा, इसमें आएगा, हाँ जो इसमें,
कटोरी वगैरह रखने के लिए ना, कटोरी वगैरह ग्लास वगैरह रखने के लिए। पर्दे उठते अब से तुम्हें वो पानी का बोतल लेके नहीं चढ़ना पड़ेगा है ना, लास्ट टाइम उठा लो संभाल के। तो हम लोग टेबल क्लॉथ लेने गए थे तो फाइनली ये वाला विश्वास को पसंद आया। विश्वास को हर एक गोल्डन कलर ज्यादा अट्रैक्ट करता है तो ये अच्छा भी लग रहा है। अरे ये क्या 15 लिखा है इसके ऊपर, छोटा पड़ गया क्या? नहीं उस पर ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, दोनों का एक पैसे सटना पड़ेगा नहीं तो एक साइड में चला जाएगा। फर्नीचर भी ऐसे ही करना पड़ता है जो पोर्टेबल हो तो इसीलिए प्लास्टिक वाली, तो हमें भी ज्यादा पसंद नहीं है प्लास्टिक वाली, वो जो वुडन का होता है ज्यादा पसंद आता है मुझे तो इसीलिए प्लास्टिक वाला टेबल ही हमें यूज करना पड़ता है। नॉर्मल अच्छा मेरे पास एक वो प्लेट टाइप का पड़ा है, ट्रे टाइप का गोल्डन कलर का ट्रे रखते तो ज्यादा अच्छा लगता बट फिलहाल हमारे पास है नहीं और फालतू में फिजूल का खर्चा करना भी ठीक नहीं है तो। और एक चीज हम लोग पसंद करके आए, पता है एक चीज पसंद करके आए वो शायद से हम खरीदने वाले है, वो बहुत ही मस्त एकदम एंटिक टाइप लुक से उसका शेयर करेंगे। मैं लेके आया ये फूल उधर डेकोरेट करने के लिए, बस अब बन गया हमारा रेस्टोरेंट। नहीं रेस्टोरेंट, ये बीच में रखता है, ये बन गया हमारा रेस्टोरेंट। yes. रेस्टोरेंट का ये मालकिन ये खाना बना के खिलाती है हमें। मालकिन का भी खाना तुम इतना डरते क्यों, हमें मारने वाले? अरे यार तुम हमेशा हाथ पैर ऐसे ऐसे करते रहते हो, बीच में रखो तो बस हो गया ना। अब जाओ चिकन मटन जो है बनाओ। वो ऐसे कैसे चलेगा दीदी, सब कुछ चलेगा। अरे ताटा बार करो आगे, प्लागटा खुल दो, प्लाग ऑफ करो, पहले प्लाग ऑफ करो, प्लाग आउट करो बोला। सारा काम मुझे से करवा रहे हो? हाँ थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। देखो ये शिफ्टिंग के टाइम पे कैसा हो गया, फ्रिज भी यही समझता है कि अरे यार ये लोग करता क्या है, एक बार तो ट्रक में चढ़ाता है, एक बार इधर रखता है, एक बार उधर रखता है। फ्रिज का अगर फ्रिज अगर इंसान होता ना सही में हाथ निकल के ऐसे पकड़ लेता बैग कहीं नहीं जाने वाला। हाँ उसको लगा दो, देखिए उसको उधर ही लगा दो जहां पे था जैसे। अरे माय गुडनेस उधर उधर लास्ट में ज्यादा ना बेसि मेजाज रखा तो हमें কাজ করতে পারবো না করে দিলাম। ভাই ভাই বলো যেখানে ছিল, যেখানে ছিল আমি কি কষ্ট করে রেখেছি কোথায় ছিল, এটার উপরে চিপে দিও না লাইটটা নষ্ট হয়ে যাবে। এই এটাকে বার করো, এই তারটাকে টানো। হ্যাঁ দেখতে ভালো লাগছে তুমি বলো তো, বাইরের লোকে ঘোরাও এভাবে ঘোরাবে কি বোঝাতে দরজা নেই খুলে গেল, দরজা খুল যায় থা ইস তরফ করোজা নেই খুল রা কর্নার মে মত রাখো ইসো থা ইস তরফ লাও তুমারা ইসো এক্সেস করতে মতলব হ্যাঁ বস তো হো যায়গা आराम से दरवाजा खुलेगा। हम यूज करेंगे फ्रिज, अरे खुद को भी तो
अच्छा लगना चाहिए। तो ये देखना अच्छा लग रहा है तुम्हें, तुम्हें 24 आवर घर से निकलोगे तो यही दिखोगे। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, इसको घुमा कर रखो देखो अच्छा लगता। अच्छा एक काम करो यहाँ पे एक बार रख के देखो। नाउ बस इतना ही जा सकता है इसमें, क्यों तार यहीं तक आएगा, देखो टाइट हो गया तार। ए अब तो वो छोटा सा तार लाके करना पड़ेगा। एक काम करो फिलहाल, फिलहाल एक काम करो इसको आगे रखो, चालू रखना है ना फ्रिज को अभी। हाँ। तो इसको आगे रखो, शाम को वो एक्सटेंशन खरीद के लाएंगे और फिर इसको अंदर करेंगे। अभी फिलहाल इसको आगे तो दूसरा एक्सटेंशन लेंगे ना, वो सिर्फ हमारा वॉशिंग मशीन और फ्रिज के पर्पस ही रहेगा, इधर ही रहेगा, और ये वाला जो है वो टीवी के लिए ही रहने दो, तो बार बार खोल के इधर उधर नहीं करना इसको पड़ेगा। फिलहाल ऐसा रहने दो, फ्रिज चालू है, जैसे वो शाम को एक्सटेंशन लेके आऊंगा तो ये और अंदर कर दूंगा इसको। आज नहीं, 5:30 बज रहा है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा वो जो नशा ट्रिगर हो रहा है धीरे धीरे की, थोड़ा सा ब्लैक कॉफी या फिर चाय पीना है, तो चाय भी नहीं बनाएंगे, चाय विश्वास जब पिएगा तब बनाएंगे, अभी मैं फिलहाल अपने लिए थोड़ा सा ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। दोपहर को 2 बजे पोछा लगा था, अभी भी देखो पूरा फ्लोर गीला गीला है। एक्चुअली आज हम लोग कुछ ज्यादा ही लेट हो गए हैं, संडे के दिन तो काम भी ज्यादा होता है, पूरा घर का साफ सफाई मतलब जो डीप क्लीनिंग होता है, मतलब वैसे तो झाड़ू पोछा करते हैं स्टिल, जो डीप क्लीनिंग होता है किचन का, वो सब कुछ साफ करना, वो तो संडे को ही करने को मिलता है क्योंकि हर रोज स्कूल होता है, विश्वास का भी ऑफिस रहता है। तो अभी एक्चुअली चिकन लेने जाना है, चिकन लेने के लिए जा रहे हैं, फैट निकाल के देना ठीक है। आज सोच रहे कि बिरयानी बनाएंगे तो मैं करती हूँ, तुम मेरा पिन क्यों देखते हो? तुम्हारा मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ हमारा नहीं है। मैं तुम्हारा पिन देखती हूँ, नहीं ना तो फिर दही लेना है आपको, जाओ दही ले लो। चलिए देखते हैं हो गया कि नहीं, बनाना था बिरयानी बना लिया यखनी पुलाव। तो ये क्या मतलब मतलब ऐसा डिसाइड किया था कि बिरयानी बनाएंगे, बट अचानक मन हुआ कि एक बार वो भी ट्राई करते हैं यखनी पुलाव। वाह कि चावल पक चुका है कि नहीं देखते हैं। अरे मस्त मस्त, ये देखो चम्मच दिया इसके अंदर, एक चम्मच दे दिया, दे रहा हूँ। हाँ एक चम्मच दे दो, नहीं तो कैसे खा पाएगा वो। टिफिन बॉक्स गांधीनगर से बेंगलुरु में आया था, चम्मच जाएगा बेंगलुरु से गांधीनगर। अरे बक्सी दादा की खबर, मास्क तो छोड़ाओ, मुख टा तो देखी, ये कौन आ गया यार, वो पहाड़ वाला जंगल होके आया। क्या बोला छो बिंदास।
স্নেহা কে হেভি মিস করছি সত্যি স্নেহা যদি তুমি যদি ব্লগটাকে কমপ্লিট করে বলছি হ্যাঁ হম লোক স্নেহা কো বহুত জ্যাদা মিস কর রে স্নেহা কব মিলেঙ্গে হম লোক ডোন্ট নো পুরা সিরিজ ব্লগ কা খতম করনা পড়েগা হ্যাঁ সারা ব্লগ দেখনা পড়েগা ये है बख्शी के लिए बनाया हुआ बिरयानी बनाना चाहती थी बन गया यखनी पुलाव यखनी पुलाव ठीक है कुछ भी हो बख्शी को मेरा जो बनाया हुआ खाना बहुत पसंद है वो मुझे पता है तो ये बख्शी के लिए अभी तो नहीं खाएंगे चम्मच भी इसके अंदर ही डाल दिया मैंने मटन करी अभी ड्यू है ये करेंगे मुझे पे ताव देते हुए मुझे पे ताव देते हुए ये टिफिन बॉक्स तुम्हारा लेके आया था गांधीनगर से बैंगलोर अभी चम्मच जा रहा है बैंगलोर से गांधीनगर चलो तो अभी जाने का वक्त आ गया बहुत देर से हम लोग बातचीत किया हाँ तो वो शूट नहीं किया अभी तो घर जाना है छोड़ के दो भाई बहुत दिन बाद सही में 6-7 महीना बाद मिल रहा हूँ जैसे लग रहा है जैसे कि जान में जान आ गया ऐसा लग रहा है सच में बहुत मजा आया चलो ठीक है जी भाई साहब भलो आछो तो हां भलो देखो गेम शुरू करो